हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार मिश्रा और आज हम हैं मत्स्य अनुवांशिकी अनुसंधान केंद्र लखनऊ पर। हमारे साथ हैं गिरिराज प्रजापति जी और आपको वाकिफ कराते हैं मछलियों की विभिन्न प्रजातियों से। तो आइए मिलते हैं गिरिराज जी से। जी हेलो। ये फैंक्स, बहुत सारी मछलियाँ यहाँ पर हैं लेकिन ये आप दिखाएंगे फैंक सुई पर। फैंक सुई लुहान जी से बोलते हैं, बहुत फैंसी से। कैटफिश आ गया। फीडर बैग्स। इनके बारे में बहुत खास बात नहीं है। कॉमन क्लॉथ किंगफिश ग्रे फीडर पे ब्रांड क्लासिफिकेशन और कैटेगरी साइज ये मैक्सिमम 60 सेंटीमीटर और कॉमन रूम 25 सेंटीमीटर की होती है। काफ़ी खास सुंदर छोटी और दोनों मछलियाँ हैं। एल्बिनो गोरा में आप इसे देख सकते हैं। ये डिस्कस मैं कैमरा क्लोज। डिस्कस ये काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। इनके बारे में मैं बताऊँ, ये मैक्सिमम इनका लेंथ 20 सेंटीमीटर, लाइफ स्पैन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक ये जीती हैं छोटी छोटी मछलियाँ। आप ये देख सकते हैं, इनका नाम डिस्कस है। डिस्कस के बगल में ब्लैक होस्ट वेरी फनी है। ब्लैक होस्ट ये बिल्कुल सिल्की मछली है, बहुत सिल्की है। ब्लैक होस्ट वेरी सिल्की और ब्लैक होस्ट। इसके बगल में एल्बिनो सैल्मन। बार्ब लोच इल। आपने दिखाई है आस्कर। इनका नाम आस्कर मछली है, मतलब आपको मिलवाते हैं आस्कर से मछली आस्कर। अच्छा, उससे कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, हम लोग बात करते भी कर सकते हैं। जी जी आराम से, बिल्कुल। हम लोग ऐसे हम लोग घूमने आ रहे हैं, इससे लोगों को पता चले कि लखनऊ में भी ऐसी चीज़ें हैं। जनरली गिरिराज जी, हम देखते हैं कि लखनऊ के लोग जो है इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है और वो इन चीज़ों को नहीं घूमना पसंद करते हैं। नया जनरेशन है काफ़ी, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमें बस दो लोग हैं मछलियों को देखने, सिर्फ हम दो लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लोगों का इससे कट रहा है। पैरेट फिश आप दिखाइए, इधर आइए। ये फ्रेश वाटर शार्क और इसके जो बगल में रैड टेल कैटफिश। अच्छा, इनको देखने से क्या लग रहा है कि ये जो मिक्की माउस और बने होते हैं वो टेडी बियर, बिल्कुल टेडी बियर जैसा ये दिख रहा है। इसे देखिए, ब्लैक और ये वाइट टेडी बियर जैसा है, बहुत काफ़ी स्मार्ट। ये मतलब एकदम टेडी बियर जैसे है, सब अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बन रही है। गोल्ड फिश नाम छोटी मछलियाँ, कैमरे में सामने आता है। इधर लगी यहाँ पे, व्हाट इज दिस? केकड़ा। हम आपको मिलाते हैं केकड़े से, ये देखिए। ये केकड़े, ये 3D दिख रहा है क्या? जी हाँ, आप इतने बड़े बड़े केकड़े देख सकते हैं जो है। आज तक मेरे कमरे देखिए, यहाँ लाइट सिस्टम है बच्चे। इतना बड़ा केकड़ा। अच्छा, कहीं ना कहीं अभिषेक जी, लोग सोचते हैं कि लखनऊ में घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें, पहाड़
और ये सारी चीज़ों के लिए लखनऊ फेमस है। ये फिश देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, शायद कैमरे में आ रही है। यहाँ पे फिश का अनुसंधान भी, मतलब यहाँ पे रिसर्च चलता है क्या फिशों को? जी जी, यहाँ पे बहुत सारी नई नई प्रजातियाँ और छोटी छोटी मछली कितना क्यूट दिख रही है, डेवलप की जाती है। ट्रांसपेरेंट बिल्कुल दिख रही है और सब क्लोज। जी जी जी, इनका नाम है डैनिशोनी मछली, डैनिशोनी, केरला क्वीन भी बोलते हैं, केरला क्वीन। चलिए आपको बड़ी मछलियों से मिलाते हैं। कोई कार्क, अच्छा कोई कार्क को थोड़ा क्लोज से दिखाएगा लोगों को, थोड़ा क्लोज से दिखाएंगे। मुझे लगता है कि मुझे मतलब रोमांचित हो रहा हूँ मैं ऐसे रंगीन कलरफुल मछलियों को देख के, थोड़ा तेज बोले लोग, मैं रोमांचित हो रहा हूँ ऐसे कलरफुल और बेहतरीन मछली को देख के, मतलब डिफरेंट टाइप। हम बेसिकली हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, भारतीय गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर रोहू और एक दो और मछलियों का नाम ले लीजिए, उन्हें जान मंगूर और सिल्वर छोटी। फिलहाल गिरिराज जी ये मछली देखते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही है और शायद छोटी है, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से क्लियरली नहीं दिख सकती। इसका नाम मलायन एंजिल है। जी जी, मलायन एंजिल बहुत खूबसूरत दिख रही है, ट्रांसपेरेंट सी मछली। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मछलियाँ देखने के बाद से आई डोंट बिलीव क्या है लखनऊ। ये देखिए, ये आप इसे क्लियरली देख सकते हैं, बहुत बड़ी मछली है, नाम है पाखू, और आप इनको बहुत नज़दीकी से भी देख सकते हैं। ये बहुत हैवी टाइप की मछलियाँ दिख रही हैं, ब्लैक कलर हैवी मछली, वेटेड जी, और लेकिन ऊपर से इनका त्वचा बहुत कोमल सा दिख रहा है, बहुत कोमल है, ये सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट। इधर आइए, फायर माउथ सिची, फायर माउथ सिचली, नज़दीक करना पड़ेगा हमें क्लियरली देखने के लिए। नाम इनका काफ़ी बड़ा दिख रहा है, फायर माउथ सिचली जी। और अच्छा, कभी आप इमेजिन किए थे मछलियों के नाम ऐसे ऐसे भी होते हैं? जी नहीं, जो है हमको बेसिकली लगता है साइंटिफिक नेम है मछलियों के, डिफरेंट बहुत अच्छी किस्म की मछली दिखाएंगे आपको। इनका नाम गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश है, और नज़दीकी से दिखाएंगे गोल्ड फिश। बेहतरीन डिज़ाइन इनका, बेहतरीन इनकी, ये जो दोनों तरफ बलून टाइप के जो दिख रहे हैं इसे आप देख सकते हैं, बलून बहुत बेहतरीन तरीके से। दिखाते हैं एक बहुत छोटी छोटी मछलियाँ और नाम है टाइगर बार। छोटी मछलियों का नाम टाइगर बार, लेकिन बहुत कितना अच्छी दिख रही है गिरिराज जी, बहुत सुंदर छोटी मछली और नाम टाइगर बार। नज़दीकी से दिखाने का प्रयास करते हैं, जहाँ अभी हमें लगता है कि और तरह के मछलियाँ देखने की लगी राय। मछलियों की प्रजातियों की हमारी कमी नहीं है। गोरामी हम दिखाते हैं आपको, नज़दीक से दिखाते हैं, ये एकदम संगमरमर की सफ़ेदी के साथ ये मछलियाँ दिख रही हैं आपको। इधर ग्रीन की तरफ करिए, शायद दर्शकों को ज़्यादा कैमरे में क्लोज आए। ये मछली, ये मेरा फिंगर आप देख रहे हैं, ये मछली पीली वाइट कलर की, ये मछली का नाम ऑस्टियोग्रामा बेलेंगोरी है। डिफरेंट टाइप का नाम, हम जो है इमेजिन करते हैं मछलियों का नाम कि ऐसा होना चाहिए वैसा, ऐसा नहीं इमेजिन करते हैं मछलियों का नाम ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उससे बिल्कुल डिफरेंट। ये जहाँ सी बात है साइंटिफिक नहीं है मछली के स्वाद में, चलिए आपको और मछलियों से मिलवाते हैं। दोस्तों आज हम निकले हैं मछलियों की सैर पर, इसको नज़दीकी से दिखाते हैं। अच्छा हम आपको बताते चलें कि कोई प्लान नहीं था कि हम आज मछली देखने जाएंगे, हम ऐसे निकल रहे थे रास्ते से, अब से कि आपको भी पता होगा कि अचानक से हम लोग का दिमाग किस बोर्ड पे गया। ये मछलियाँ देखिए गिरिराज जी, बहुत छोटी, कितना लाइव, कितनी छोटी मछलियाँ, इनका नाम जितनी छोटी हैं उसी हिसाब से इनका नाम भी रखा गया, हमें लगता है कि लाइव वियरर, इनका नाम है लाइव वियरर, बहुत छोटी जैसा आप देख रहे हैं। कैमरे में पता नहीं आ भी पाएंगे कि नहीं, मुझे तो इस बात का ही डर लगा हुआ है। ये मछली है, और आप
आपको नज़दीक से दिखाते हैं। डिफरेंट है, कलरफुल मछली भी है, और हमें लगता है कि हम जो टाइम अभी अचानक से रुके हैं इसके लिए बहुत सार्थक गया हमारा वो समय। ये दिखाते हैं आपको, बहुत ही अट्रैक्टिव मछली दिख रही है, और छोटे छोटे बच्चे ना कहें जो है, और अन्य प्रजातियां हैं इनकी, आप देख पा रहे हैं। पूरी हवेली तैयार कर रखी है एक्वेरियम में ही, राज्य बना के रखा है, नाव देख सकते हैं, माला, गजब का सीन। और मछली को दिखाइए प्लीज, दिखाइए, एकदम रानी है, इकलौती मछली इस पूरे एक्वेरियम में अपने साम्राज्य में बैठी हुई, गजब की क्वीन है। बहुत खूंखार दिख रही है, और बहुत बहुत ही खूंखार किस्म की मछलियां हैं, मुझे तो देखने से भी डर लग रहा है। जैसे समुद्री बिल्ली होती है, ये देखिए समुद्री, ये इसे सेंसेशन शायद फील नहीं हो रहा है मेरे फिंगर का, देखिए, लेकिन ये भी थोड़ा सा मूवमेंट दी है मुझे, लेकिन जो भी ये फायर इसके लगे हुए हैं काटो जैसे, देखने से बहुत डर लग रहा है। वाओ, समुद्री चट्टानी मछलियाँ, नाम देखिए और क्लोज आइए, कैमरा क्लोज करिए, हम एक चीज़ आपको बताएं, नाम भी देखिए और चट्टान भी अंदर एक्वेरियम में बनाया गया, नाम से इनके इनके मतलब नेचर का भी पता चलता है, कैसे जगहों पर रहना पसंद करती हैं। मैं दिखाना चाहूँगा नज़दीकी से, काफ़ी कलरफुल है, ब्लू और वाइट कलर अपने साम्राज्य में फैली हुई, लेकिन दोस्तों ये मछली मुझे वास्तव में बड़ी दिलचस्प लगी, और इसके साथ में जो मोतियों की माला है